हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेटा मॉडिफायर्स की। जब हम कोई वेरिएबल एक्स डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इंट एक्स डिक्लेयर किया, तो एक्स में मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ? एक्स में मैं पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ और एक्स में मैं नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ। तो एक्स मेरा दोनों वैल्यू स्टोर कर रहा है। पर मान लो मेरी रिक्वायरमेंट होती कि मैं केवल एक्स में पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, उसमें नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करना चाहता। जैसे मान लो मेरा एक वेरिएबल है एज, एज क्या होगी आपकी? हमेशा पॉजिटिव होगी। तो मेरा एज वेरिएबल क्या वैल्यू लेना चाहिए? केवल पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मुझे वेरिएबल डिक्लेरेशन के आगे अनसाइंड लगाना पड़ेगा। मुझे कैसे डिक्लेयर करना पड़ेगा? अनसाइंड इंट एक्स। जब मैं ऐसे डिक्लेयर कर दूंगा तो एक्स केवल मेरा पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करेगा। सी में जहाँ भी हम अनसाइंड लगा देते हैं उसका मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यूज़। हमारा जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है साइंड। जैसे मैंने यहाँ पर इंट एक्स डिक्लेयर किया था तो इसके आगे साइंड बाय डिफॉल्ट लग गया था। इंट एक्स का मतलब है साइंड इंट एक्स। साइंड मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो आप इंटीजर की डिक्लेरेशन के आगे क्या लगा सकते हो? साइंड भी लगा सकते हो और अनसाइंड भी लगा सकते हो। अगर साइंड यूज़ करना है तो आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट साइंड अपने आप लग जाता है। बट केवल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके आगे आप अनसाइंड लगा सकते हो। यही सेम कंसेप्ट करेक्टर वेरिएबल्स पर भी अप्लाई होता है। करेक्टर भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। अब आप बोलोगे करेक्टर ए बी सी ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं? तो रिमेंबर, हमारे करेक्टर में स्टोर क्या होता है? उनकी अस्काई वैल्यूज़। जैसे मेरे कैपिटल ए की अस्काई वैल्यू क्या होती है? 65। तो 65 क्या है? नंबर है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इसीलिए मैं करेक्टर पर भी सेम कंसेप्ट लगा सकता हूँ। बाई डिफॉल्ट कैर एक्स लिखूंगा तो मेरा क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों स्टोर कर सकता है। और मैं इसके आगे अनसाइंड लिख दूंगा तो ये केवल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेगा। अब जो ये साइन और अनसाइन का कंसेप्ट है, ये केवल इंटीजर और करेक्टर पर ही एप्लीकेबल होता है। ये फ्लोट और डबल पर एप्लीकेबल नहीं होता। फ्लोट और डबल में साइन अनसाइन कुछ नहीं होता है। वो पॉजिटिव भी स्टोर कर सकते हैं और नेगेटिव भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये साइन अनसाइन आपके क्या हो गए? एक टाइप के डेटा मॉडिफायर्स होते हैं। इसी तरह आपके दो डेटा मॉडिफायर्स होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। बेसिकली शॉर्ट और लॉन्ग आपके किस लिए यूज़ होते हैं? वो आपकी मेमोरी रिक्वायरमेंट को चेंज करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मान लो आपका एक नॉर्मल इंट जो है वो 4 bytes लेता है, तो अगर आप इसके आगे शॉर्ट लगा दोगे तो ये केवल 2 bytes लेगा। तो अब क्योंकि इसकी मेमोरी लिमिटेड हो गई है, 4 × 2 हो गई है, तो इसकी रेंज भी चेंज हो जाएगी। रेंज का मतलब है कि वो कहाँ से लेकर कहाँ तक के इंटीजर स्टोर कर सकता है। शॉर्ट हमारा क्या करता है? शॉर्ट रेंज को डिक्रीज करता है, इसलिए लेस मेमोरी रिक्वायर होती है। इस तरह लॉन्ग आपका रेंज को इंक्रीज करता है और उसके लिए ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं अगर इस टेबल को देखूँ, ये टेबल आपके 32 या 64 बिट कंपाइलर के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि डेटा का साइज़ आपके कंपाइलर पर भी डिपेंड करता है। जैसे 32 बिट का अगर आपका कंपाइलर है तो उसमें शॉर्ट इंट क्या लेगा? आपका 2 byte का जगह लेता है। और इसकी रेंज क्या होती है? -3 to 7682 + 3 to 7667। यानी कि इनके बीच की कोई भी वैल्यू अगर आप स्टोर करना चाहो तो आप शॉर्ट इंट का यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा? आपकी मेमोरी बच जाएगी 2 bytes की। नॉर्मल जो इंटीजर होता है वो आपका 4 bytes लेता है, और इसकी रेंज क्या होती है? -2^31 to +2^31 -1। इस तरह लॉन्ग इंट की रेंज क्या होती है आपकी? सेम इंट की तरह 32 bit या 64 bit कंपाइलर पर इंट और लॉन्ग इंट आपके सेम बिहेव करते हैं, तो आप इंट का ही यूज़ कर सकते हो। इस तरह आपका क्या होता है? एक लॉन्ग इंट होता है जो कि काफ़ी बड़ी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। आपकी 2^63 की रेंज में वैल्यू स्टोर करने के लिए लॉन्ग इंट का यूज़ कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ये मेमोरी ज़्यादा लेगा, ये डबल मेमोरी लेता है इंटीजर के साइज़ की, यानी कि 8 bytes। अब इन रेंजेस को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो हम क्या देखना चाहिए कि हमारी 10 की पावर में किस रेंज की हमें वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए हम किस टाइप का वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें 10^4 की रेंज में, यानी 10,000 के अराउंड अराउंड की कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम शॉर्ट इंट का यूज़ करके अपनी मेमोरी को बचा सकते हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट 10^9 तक की है, कि हमें 10^9 तक ही वैल्यू स्टोर करनी है, उससे ऊपर की वैल्यू स्टोर नहीं करनी, तो हम नॉर्मल इंट का यूज़ कर सकते हैं या लॉन्ग इंट का यूज़ कर सकते हैं। पर हमारी रिक्वायरमेंट इससे भी ज़्यादा है कि हमें 10^9 से बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है। 10^9 आपका क्या होगा? 1 billion हो गया। पर आपको अगर इससे भी कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है, लाइक ट्रिलियंस में वैल्यू स्टोर करनी है, तो उस टाइम आप किसका यूज़ कर सकते हो? लॉन्ग इंट का। इससे क्या होगा? आपकी रेंज बढ़ जाएगी, आप वैल्यू को एज इट इज स्टोर कर पाओगे, लेकिन आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। तो ये जो हमने डिस्कस किए, शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड, इन्हें हम सी में क्या कहते हैं? डेटा मॉडिफायर्स। डेटा मॉडिफायर्स जैसे हमने देखा, या तो आपके पॉजिटिव नेगेटिव स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, या आपकी रेंज को कम करके मेमोरी रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए यूज़ होते हैं, या रेंज को बढ़ा के मेमोरी रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं। आपके 4 होते हैं, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट और लॉन्ग।
साइंड और अनसाइंड जो है वो आपके केवल करेक्टर और इंटीजर पर ही एप्लीकेबल होते हैं, और शॉर्ट और लॉन्ग जो है आपके इंटीजर पर एप्लीकेबल होते हैं, और जो लॉन्ग है आपका ये डबल पर भी एप्लीकेबल होता है। फ्लोट पर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता, ना साइन ना अनसाइन ना शॉर्ट ना लॉन्ग, फ्लोट पर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता। डबल पर केवल लॉन्ग एप्लीकेबल है, साइन अनसाइन करेक्टर और इंट दोनों पर एप्लीकेबल है, और ये जो शॉर्ट और लॉन्ग का कंसेप्ट है ये आपके इंटीजर पर एप्लीकेबल है। तो अभी हम एक बार इसको एक टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के डेटा टाइप हो गए, हर एक की मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या है और हर एक की रेंज क्या है। तो जब हम सबको कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास इतने ज़्यादा डाटा टाइप्स बन जाते हैं। जैसे मेरे करेक्टर्स क्या हो गए, साइंड भी हो सकते हैं और अनसाइंड भी हो सकते हैं। ये क्या लेते हैं, 1 byte लेते हैं। मेरे साइंड करेक्टर की रेंज क्या होती है, -128 to 127। लेकिन जब मैं अनसाइंड करेक्टर कर देता हूँ तो मेरी रेंज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 0 to 255। बेसिकली 127 में ये 128 ऐड हो जाता है, तो मेरा क्या आता है, 255। तो मेरी रेंज क्या हो जाती है, 0 to 255। तो अनसाइंड का ये बेनिफिट है कि जब आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करनी हो तो आप उस वेरिएबल की रेंज बढ़ा सकते हो, आपकी जो नेगेटिव वाली रेंज होती है वो आपकी पॉजिटिव वाली साइड में ऐड हो जाती है और रेंज इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह आपके शॉर्ट साइंड इंट क्या लेता है, 2 byte लेता है और इसकी रेंज ये होती है। और अनसाइंड के लिए क्या होगा, ये जो आपका 32768 है ये इसमें ऐड हो जाएगा और आपकी रेंज 0 to यहाँ तक हो जाएगी। साइंड इंट आपका क्या लेता है, 4 bytes लेता है, इसकी रेंज ये है। अनसाइंड आपका 4 bytes लेता है, लॉन्ग साइंड आपका 4 bytes लेता है, लॉन्ग अनसाइंड आपका 4 bytes लेता है। साइंड अनसाइंड के केस में आपके बाइट्स में कोई चेंज नहीं आता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट सेम रहती है, लेकिन क्योंकि अब हमें नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं करने हैं तो वो नंबर हम पॉजिटिव साइड में स्टोर कर सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव साइड की रेंज बढ़ जाती है अनसाइंड के लिए। फिर आपके लॉन्ग लॉन्ग इंट की रेंज क्या आती है, और बढ़ जाती है, 10 to 19 की रेंज में आ जाता है। फिर आपका फ्लोट भी क्या लेता है, 4 ही byte लेता है, लेकिन ये किस लिए स्टोर होते हैं, आपके डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए होते हैं। इनकी स्टोरेज का तरीका अलग होता है इसलिए इनकी रेंज भी अलग होती है। फिर आपका डबल है, डबल क्या करता है आपका, 8 bytes लेता है, वही आप रियल नंबर डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हो, लेकिन इसकी रेंज काफ़ी बड़ी होती है, और लॉन्ग डबल की रेंज उससे भी बड़ी होती है, लेकिन ये 10 bytes लेता है। अभी हर एक को लिखने के लिए क्या है, हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ यूज़ करने पड़ते थे। जैसे हम करेक्टर के लिए क्या करते हैं, %d करते थे, तो अभी हम ये भी देख लेते हैं, शॉर्ट साइंड अनसाइंड ये जो हमने इंट्रोड्यूस किए इनके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या क्या चेंज करना पड़ता है। करेक्टर के लिए तो आपके क्या है, %c ही यूज़ होता है। इंटीजर के लिए शॉर्ट और इसके लिए नॉर्मल इंटीजर के लिए जो कि आपके साइंड है उनके लिए हम %d ही यूज़ करते हैं। अनसाइंड के लिए हम क्या करते हैं, दोनों जगह %d की जगह %u, यू मतलब अनसाइंड। और जब भी लॉन्ग की बात आती है तो साथ में क्या जुड़ जाता है, आपके l। जैसे साइन के केस में हमारा डी होता था %d, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, %ld। यू के साथ क्या जुड़ जाएगा, %lu। और जब लॉन्ग लॉन्ग की बात आती है तो आपके 2 l जुड़ जाते हैं, LLD और LLU। फ्लोट का हमें पता ही है %f यूज़ करते हैं। डबल क्या होता है, आपका फ्लोट का ही बड़ा भाई है यानी कि ज़्यादा रेंज है, तो इसके लिए एक सिंगल l, %LF। और लॉन्ग डबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, L, L F। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो आपको अपने आप याद होने शुरू हो जाएंगे। अभी आप याद करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होंगे, लेकिन जब आप प्रोग्राम्स में इनका यूज़ करना शुरू करेंगे, कई बार प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप ही आपको इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर याद हो जाएंगे। और इनकी रेंज को याद करने का एक सिंपल तरीका है, जैसे करेक्टर और इंटीजर की जो भी रेंज है ये आपके उस पर डिपेंड करती है कि कितने बाइट्स मेमोरी ले रहा है। बाइट को आप बिट में कन्वर्ट कर देते हो, जैसे करेक्टर आपका 1 byte लेता है, 1 byte में कितने बिट होते हैं, 8 bit होते हैं, तो आपकी रेंज इस पर डिपेंड करती है, इन बिट्स पर। जैसे आपका ये 255 है, ये कहाँ से आया है, 2^8-1। तो जो अनसाइंड वेरिएबल्स की रेंज होती है वो क्या होती है, 2^ नंबर ऑफ बिट्स जितने उसको रिक्वायर्ड है, -1, 0 से लेके यहाँ तक। और जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी रेंज क्या होती है, -2^n-1, यानी कि मेरा n-1 क्या होगा, -2^7 टू 2^n-1 -1। पॉजिटिव साइड पर एक नंबर कम होता है, -2^7 -1। 2^7 क्या होता है मेरा, 128, तो -128 टू पॉजिटिव साइड में 128 -1 यानी कि 127। ये आपकी करेक्टर की रेंज आई। इसी तरह ये सेम फॉर्मूला आपका इंटीजर पर भी एप्लीकेबल होता है। जैसे शॉर्ट इंट की रेंज कहाँ तक होगी, -2^16 -1 15 टू 2^15 -1 ये वैल्यू। और अनसाइंड के केस में आपकी रेंज क्या होगी, 0 to 2^16 -1। तो आपकी जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रही है बिट्स में उस पर आपकी रेंज डिपेंड करती है। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मेरी ये रेंज डिफाइंड है, मैं अगर इनके बीच की वैल्यू स्टोर करूँ तो नो प्रॉब्लम,
पर बाय चांस मैं गलती से इनके बाहर की कोई वैल्यू स्टोर कर दूं तो क्या होगा? क्या कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी या कोई पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर हो जाएगी? क्या उस वैल्यू को मैं देख सकता हूँ कि क्या स्टोर होगी? तो इसके लिए देख लेते हैं कि क्या होगा जब हम रेंज के बाहर की वैल्यू को स्टोर करने का ट्राई करेंगे। वट हैपन्स इफ़ वी एक्सीड डेटा रेंज। जैसे आपके साइंड करेक्टर की रेंज क्या है? -128 to 127। अनसाइंड की क्या है? 0 to 255। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपकी रेंज है वो काइंड ऑफ एक सर्कल होता है। जैसे आपकी -128 से थी, -128 से शुरू हुआ, फिर -127 126, ऐसे होता 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 जीरो आया, फिर आपका पॉजिटिव साइड में ये 127 आ गया। जैसे ही मैं 127 के आगे 128 स्टोर करने की कोशिश करूंगा तो ये मेरा रेंज में नेक्स्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यानी कि जब मैं 128 स्टोर करने की कोशिश करूंगा तो मेरा एक्चुअल में क्या स्टोर होगा? -128। और इसी तरह जब मैं 129 स्टोर करने की कोशिश करूंगा तो नेक्स्ट नंबर इस सर्कल में क्या है मेरा? है -127। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि मेरी रेंज क्या थी? -128 to 127। और इसके आगे मैं सर्कल बना देता हूँ कि भाई जब भी इस साइड से मैं फर्दर पॉजिटिव जाने की कोशिश करूँगा, जैसे 128 जाने की कोशिश करूँगा, तो मैं यार ये सर्कल होके इस तरफ आ जाएगा, -128, फिर -127, फिर -126। इस तरह से स्टोर होना शुरू करेगा। और इसी तरह अगर मैं -129 स्टोर करना शुरू करूँगा तो मेरा एंटी क्लॉक वाइज में वैल्यू स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि -129 के लिए क्या स्टोर होगा मेरा? 127। यहाँ से एक और सर्कल जाएगा, यानी कि नेगेटिव साइड में आप एक्सीड करोगे तो आप पॉजिटिव साइड में पहुँच जाओगे, पॉजिटिव साइड में एक्सीड करोगे तो आप नेगेटिव साइड में पहुँच जाओगे। इसी तरह अनसाइंड कैरी की रेंज क्या होती है आपकी? 0 to 255। तो इस केस में सर्कल आपका कैसे बनेगा? 0 to 255 का। यानी कि आप जब 255 से रेंज एक्सीड करोगे, 256 करोगे तो आपका क्या स्टोर होगा? 0। 257 स्टोर करोगे तो आपका नेक्स्ट इंटीजर क्या है? 1। ये स्टोर होगा। और नेगेटिव साइड में स्टोर करोगे तो आपका क्या है? इधर आ जाएगा, 255 की तरफ। जैसे कि मैं -1 स्टोर करने की कोशिश करूंगा तो मेरा 255 स्टोर हो जाएगा, -2 स्टोर करने की कोशिश करूंगा तो मेरा 254 स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो जिस भी डायरेक्शन में आप एक्सीड करोगे रेंज उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी और वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया इनके हम प्रोग्राम देख लेते हैं। पहला जो प्रोग्राम है उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का साइज प्रिंट करा रहा हूँ। जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपका शॉर्ट इंट 2 बाइट लेता है, इंट आपका 4 बाइट लेता है, लॉन्ग इंट 4 बाइट लेता है और लॉन्ग लॉन्ग इंट 8 बाइट लेता है। ये किसके लिए ट्रू है? 64-bit सिस्टम के लिए। तो इसको अभी रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया 2448। तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से किसी भी डेटा टाइप का साइज प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम देखेंगे वो रेंज पे देखेंगे कि रेंज एक्सीड करें तो क्या होता है। यहाँ पर मैंने क्या लिया है? कैट C1, इसमें 129 स्टोर कराया। तो ये मेरा किस टाइप का वेरिएबल होगा? साइंड करेक्टर। साइंड करेक्टर की रेंज क्या होती है? -128 to 127। और यहाँ पर मैंने क्या प्रिंट कराया? 129, यानी रेंज के बाहर का। और हमने क्या डिस्कस किया था? जब भी रेंज के बाहर का हो गया हमारा सर्कल घूम के नेगेटिव साइड में चला जाएगा। तो 128 के लिए क्या स्टोर होगा? 128। 129 के लिए क्या स्टोर होगा? -127। तो यहाँ पर हमारा क्या स्टोर होना चाहिए? -127। इसी तरह मैंने क्या किया? नेगेटिव साइड में रेंज एक्सीड किया है, 130 किया है। और हमने क्या देखा था? जब नेगेटिव साइड में रेंज एक्सीड होगी तो मेरा पॉजिटिव साइड में चला जाएगा। जैसे -129 के लिए मेरा क्या स्टोर होगा? 127। -130 के लिए क्या स्टोर होगा मेरा? 126। तो इसका मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? 126। तो इसी तरह हमने फिर क्या लिया? अनसाइंड करेक्टर लिया। अनसाइंड करेक्टर की रेंज हमारी क्या होती है? 0 to 255। तो ये 129 इस रेंज में ही है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए मेरा? 129 ही आना चाहिए। फिर हमने अनसाइंड करेक्टर C4 में क्या स्टोर कराने की कोशिश की है? एक नेगेटिव वैल्यू। हमने क्या देखा था? जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो इधर से घूम के ये 255 की तरफ आ जाएगा और वहाँ से एक एक डिक्रीमेंट करके वैल्यू प्रिंट करेगा। तो होगा क्या? आपका जब -1 है ये क्या हो जाएगा? आपका 255। -2 आपका क्या हो जाएगा? 254। तो इसी तरह आपका -130 क्या हो जाएगा? आपका 255 -129, जो कि क्या आपका आ गया? 126। तो क्या आना चाहिए आपका यहाँ पर? 126। नेक्स्ट क्या किया हमने? पॉजिटिव साइड में रेंज एक्सीड किया है, 257। हमने क्या देखा था? जब पॉजिटिव साइड में रेंज एक्सीड होगी तो वो जीरो की तरफ आ जाएगा। यानी कि आपका 256 क्या स्टोर होगा? 0। 257 क्या स्टोर होगा? 1। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा? 1। इसको अभी एक बार रन करके देख लेते हैं। तो जब मैंने इसको कंपाइल किया GCC रेंज डॉट सी से तो पहले तो मेरी कुछ वार्निंग्स आई। बेसिकली ये वार्निंग्स क्या है कि हम रेंज के बाहर की वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं,
पर यह वार्निंग थी, तो मेरा प्रोग्राम इसके बाद भी कंपाइल हो जाएगा और रन भी कर सकता हूँ। तो जब मैंने इसको रन किया तो मेरी वैल्यू क्या आई, फर्स्ट की वैल्यू आई 127, फिर 126, फिर 129, फिर 126 और फिर 1, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो आई होप कि आपको डेटा मॉडिफायर्स और रेंज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ जब हम रेंज के बाहर स्टोर करने की वैल्यू कोशिश करते हैं तो क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस।